हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर बस्ता। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर यूट्यूब चैनल योर बस्ता। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आप लोगों को रिलेशन डिफाइन कर रहा था। रिलेशन में मैंने आपको रिलेशन की जनरल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन आपको मैंने डिफाइन की थी, ठीक है ना। मैथमेटिकल डेफिनेशन डिफाइन करने से पहले हमने आपको ऑर्डर पेयर पढ़ाया था। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर्स मैंने डिफाइन किए थे, कार्टीजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ए कॉमा बी। आफ्टर देन मैथमेटिकल डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। देन आप लोगों ने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े थे, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन मैंने आपको बताया था। देन टाइप ऑफ रिलेशन मैंने डिफाइन किया था, टाइप ऑफ रिलेशंस। तो टाइप ऑफ रिलेशंस में हमने कौन कौन से रिलेशन आप लोगों को पढ़ाए थे? मैंने आप लोगों को एम्पटी रिलेशन डिफाइन किया था बेटा। क्या डिफाइन किया था? एम्पटी रिलेशन। सेकेंड वन, यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन किया था। थर्ड वन, आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन किया था। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन के बाद मैंने इनके सबके कुछ एग्जांपल भी लिए थे और मैंने क्लास को ओवर किया था। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला टॉपिक है टाइप ऑफ रिलेशन में, वो क्या है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को ओरल बताई थी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। कोई भी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कहलाता है इफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज एसोसिएटेड टू इट्सेल्फ। अ रिलेशन are from A to A is called reflexive relation if each first member of ordered pair is associated to itself। मैंने आपसे बोला था कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में मेन डिफरेंस क्या है। आइडेंटिटी में इट्सेल्फ ओनली वर्ड लग जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव में इट्सेल्फ ओनली हट जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज ए रिलेटेड टू ए। ए क्या है? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, आज आर इज रिफ्लेक्सिव इफ आर इक्वल टू ए कॉमा ए फैमिली ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो नोटेशन है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जब तक
रोस्टर फार्म में एग्जाम्पल हम नहीं लेते हैं तब तक बच्चों को थोड़ा डेफिनेशन क्लियर कम होता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। सो सिंपल, रिफ्लेक्सिव की जब बात की जाएगी तो आपको शुरुआत यहां से करनी है या फिर यहां से करनी है। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल। बेटा रिलेशन आपका डिफाइन है सेट ए से ए में, एंड ए इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है ना। रिलेशन आपका गिवन है, एक R1 रिलेशन है जिसमें 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3 गिवन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? अभी डिस्कशन करते हैं। एक रिलेशन R2 है जिसमें मेंबर दिए हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? एक रिलेशन आपका R3 गिवन है, क्योंकि आपको पता है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट किसका होता है? A क्रॉस A का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो A क्रॉस A में टोटल मेंबर होंगे 9। लास्ट क्लास में बताया था बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फैमिली ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर की जो फैमिली होती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ए सेट आपका दिया है 1, 2, 3, तो इसमें जब आप ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए क्रॉस ए में 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 3 आएगा, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज यू हैव 9 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, यू हैव 9 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। ठीक है, इन रिलेशन आर वन सम मेंबर्स ऑफ ए क्रॉस ए, एंड इन रिलेशन आर टू वी गेट सम मेंबर ऑफ ए क्रॉस ए। तो इसमें देखिए आर टू आर वन इसमें सब में जो मेंबर्स हैं ए क्रॉस ए के ही तो मेंबर हैं। नेक्स्ट रिलेशन वी टेक 2, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब इसमें कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कौन सा नहीं है, अगर इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, अभी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मैंने बताई थी, ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए फॉर ईच ए, प्रत्येक ए जो है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए। फॉर ईच ए का मतलब क्या हुआ ये पहले समझिए, फॉर ईच ए का मतलब ए के मेंबर क्या है 1, 2, 3, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये हुआ फॉर ईच ए। तो आप देखिए किस रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों हैं, 1, 1, R1 में भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव बेटा रिलेशन है। अब यहां हम बात करते हैं इसमें भी तीनों हैं तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है। इसमें क्या 1, 1 है? देखिए इसमें 1, 1 नहीं है, R3 में जो है 1, 1 नहीं है, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1। तो इसमें बेटा 1, 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1, 1 है वो R3 में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ईच ए क्रॉस ए का जो पार्ट है वो यहां पर कंप्लीट नहीं हो रहा है। 2, 2 है, 3, 3 है, बट 1, 1 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। R2 क्या आइडेंटिटी है? R2 आइडेंटिटी रिलेशन है, यस। R1 और R3 आइडेंटिटी नहीं है लेकिन R2 आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हम डबलेट लेते हैं उन सभी एलिमेंट का जो सेट में दिए होते हैं, उन सभी एलिमेंट का डबलेट लेते हैं जो सेट में दिए होते हैं। अगर कोई भी छूट रहा है तो फिर आइडेंटिटी नहीं होगा। और डबलेट के अतिरिक्त
अदर कोई भी ऑर्डर पर नहीं होना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव में डबलेट तो होने ही चाहिए, उसके अतिरिक्त ए क्रॉस ए के अगर मेंबर दिए हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, आपको एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट टाइप है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। आप लोगों को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को अच्छी प्रकार से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये चैप्टर, तो लिखने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्योंकि जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो बच्चों को 1, 2, 3, 4 ज़्यादा समझ में आता है, और जब भी हम ABCD की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें होती हैं, बट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ABCD ही है। कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 नहीं है, कॉन्सेप्ट ABCD है, इसलिए ABCD पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगला टाइप आपका कौन सा है बेटा, कौन सा टाइप अगला है, नेक्स्ट टाइप आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड इफ ए रिलेटेड टू बी वी हैव टू प्रूव दैट या इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए फॉर ईच ए कॉमा बी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू आर। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ये बेटा सिमेट्रिक रिलेशन की क्या है, डेफिनेशन है। अगर किसी भी रिलेशन में 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। किसी भी रिलेशन में अगर 3, 4 है तो 4, 3 होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो अब एग्जांपल लेते हैं और हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, सारे एग्जांपल अभी रोस्टर फॉर्म में लेंगे, फिर क्वेश्चन जब आपको लगवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो जब रोस्टर फॉर्म क्लियर हो जाएगा तो सेट बिल्डर समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक आपका सेट ए है, सेम वही 1, 2, 3 और रिलेशन आपका बेटा आर से आर में डिफाइन है, सॉरी ए टू ए में डिफाइन है। एक कोई रिलेशन आर है जो कि सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का होगा, और इस रिलेशन आर में मेंबर्स आपके दिए हैं 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 3। आप देखिए जितने भी एलिमेंट इस रिलेशन में दिए हैं, इस रिलेशन के एलिमेंट क्या है बेटा, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1 एंड 1, 3। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको लेते हैं 1 रिलेटेड टू 1, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो मैंने कहा था कि इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, तो क्या इसमें बी ए है, बी ए है क्या, है ना। 1, 1 अगेन, किसी भी सेट में एक एलिमेंट एक बार ही लिया जाता है, यू नो, किसी भी सेट में वन मेंबर वन टाइम ही लेते हैं, तो 1, 1 को अकॉर्डिंग टू नीड हम 2 times, 3 times एंड मोर टाइम्स जितनी जरूरत होगी 1, 1 को हम यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। तो
वन वन का जो आपका अपोजिट है वो भी वन वन ही होगा जो कि सेट में गिवन है, प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। टू रिलेटेड टू वन इंप्लाइज दैट, अगर ये टू वन इसमें दिया है तो क्या वन टू है, चेक कर लेते हैं। अगर वन टू है तो सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी होल्ड होगी, है ना। वन टू जितने भी एलिमेंट दिए हैं सबके बाद सबको चेक करेंगे। टू टू का अपोजिट टू टू होगा, रिलेशन में गिवन है। थ्री वन का अपोजिट वन थ्री होगा, रिलेशन में गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट इस रिलेशन में दिए गए हैं, ठीक है, उन सब में ए बी और बी ए की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, डिफाइन हो रही है। इसका मतलब जो आपके सामने रिलेशन लिखा है ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके, इतनी बात समझ आ गई ना? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों की लैंग्वेज में ही पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों की ही लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। जो आप लैंग्वेज समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में आपको टॉपिक डिफाइन किया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सा टाइप ऑफ रिलेशन है बेटा? वो आपका टाइप ऑफ रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इंटरमीडिएट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिटिव रिलेशन? देखिए, अगर कोई भी आर जो है रिलेशन, ये ट्रांजिटिव कब होगा? अगर आर आपका डिफाइन है ए से ए में, आर इज डिफाइन फ्रॉम ए टू ए, एंड फॉर ईच ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट किया, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? रिफ्लेक्सिव में हम एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए करते हैं, और ए रिलेटेड टू ए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिक में आपने दो पॉइंट लिए, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। और ट्रांजिटिव में थ्री मेंबर्स, थ्री एलिमेंट लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में वन एलिमेंट, सिमेट्रिक में टू और ट्रांजिटिव में थ्री। क्वेश्चन की, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत हमें यहीं से करनी, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो वन टू थ्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में, ये याद रहेगा, लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड If A related to B, इसमें थ्री ऑर्डर्ड पेयर को रिलेट किया जाता है, एंड B related to C implies that, देखिए ये दो चीजें गिवन पार्ट होती हैं। अगर किसी भी रिलेशन में ए बी, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है और बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों हैं, इसमें खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए ये जो ए कॉमा बी आपका ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, एंड बी कॉमा जो सी ऑर्डर्ड पेयर है ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों में इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है। अगर ये इस प्रकार के आप टू ऑर्डर पेयर रिलेशन से पिक करते हैं, उठाते हैं, लेते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि आर में ए कॉमा सी है कि नहीं है। अगर आपका आर में ए कॉमा सी है तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा, और अगर ए कॉमा सी नहीं है तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और ये तीनों ए क्रॉस ए के मेंबर होने चाहिए। हमें लगता है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी रिलेशन में अगर ऑर्डर पेयर ए बी है और बी सी है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है,
तो हमें ये देखना होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि उस रिलेशन में क्या ये आपका पेयर बन रहा है। अगर ये पेयर बन रहा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अगर एसी नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक, तो ट्रांजिटिव की ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। ट्रांजिटिव की एक सेकेंड डेफिनेशन भी है, एक्सेप्शन है, अपवाद है वो। ठीक है, अक्सर कभी कभी एग्जाम्पल आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस पर पहले एग्जाम्पल लेते हैं फिर सेकेंड डेफिनेशन बताते हैं और उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल से वही सेट a = 1 2 3 एंड रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, एंड r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a, r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a विच इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2। एक रिलेशन ये दिया गया है, ये देखिए ए क्रॉस ए में 9 मेंबर होंगे, 9 में से 3 मेंबर हैं कि नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब आप कहोगे सर आपने ट्रांजिटिव को एग्जांपल में लिया तो ट्रांजिटिव ही होगा, बात आपकी सही है, लेकिन जस्टिफाई करने के लिए जब रिलेशन आ जाता है तो हमें चेक करना आना चाहिए। तो हम इसको चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो भाई, चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव में मैंने अभी क्या बताया था, ए रिलेटेड टू बी, एंड बी रिलेटेड टू सी इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। अब देखिए हम इसे पिक करते हैं 1 1, जो आइडेंटिकल रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं इस पर। जैसे अगर हम 1 1 की बात करते हैं तो मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि अकॉर्डिंग टू नीड हम किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार ले सकते हैं, लेकिन सेट में हम लिखेंगे तो एक बार ही ना, क्योंकि सेट की डेफिनेशन आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ मेंबर्स होता है और मेंबर सेट में एक मेंबर एक बार ही लेते हैं। वन मेंबर इज टेकन ओनली वन टाइम इन गिवन सेट, ओके। बट अगर हमें नीड है, हमें जरूरत है 1 1 को 10 टाइम लेने की, तो हम 10 टाइम लेंगे, लेकिन सेट में तो एक बार ही लिखेंगे ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं कि सेट में एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है। आपने 11th की क्लास में सेट चैप्टर में चीज पढ़ी है, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ती 1 1 को हमें 3 टाइम लेने की जरूरत है, हमें 4 टाइम लेने की जरूरत है, तो हम लेंगे। तो अब यहां पर देखिए, मैंने 1 1 को पहले पिक किया है तो ये ए बी हो गया ना, एंड 1 1 को हम अगेन 2nd टाइम लेंगे, ये आपका बी सी हो गया, तो ए सी क्या होगा, ये भी 1 1 ही तो होगा। इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ये ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। सेकेंड बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था उन 2 पेयर्स को, ऑर्डर पेयर को हम लेते हैं, ठीक है ना, जो डबलेट हैं उनको तो हम कई बार ले सकते हैं, जिसका सेकेंड एलिमेंट अगले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो। अब इन दोनों को लेकर के चेक करते हैं, इन दोनों को लेकर चेक करते हैं, ए बी एंड बी सी इंप्लाइज दैट ए सी 1 2 है क्या। इन दोनों हमने ऑर्डर पेयर को कंसीडर किया जिसमें ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, इंप्लाइज दैट 1 रिलेटेड टू सी, क्या आ गया 1 2 1 2 अगेन प्रेजेंट इन योर सेट ऑफ रिलेशन, ओके। थर्ड पेयर लेते हैं
इसको लेते हैं ए बी बी सी, चेक करिए। देखिए ये जो ए बी के नीचे सब ए बी लिखे हुए, बी सी के नीचे बी सी है, ए सी के नीचे ए सी। अब बात करते हैं सर वन रिलेटेड टू टू, एंड जो ऑर्डर पर हमको पिक करने हैं वो इसी रिलेशन से पिक करने हैं, एंड टू रिलेटेड टू टू इंप्लाइज दैट ए सी, वन रिलेटेड टू टू, वन टू अगेन प्रेजेंट है ना, है ना। इसका मतलब ये हुआ, अब टू टू को अगर लेते हैं तो जैसे आपने वन वन को वन वन को वन वन के रिस्पेक्ट में ट्रांजिटिव को डिफाइन किया है, सिमिलरली आप टू टू के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं, टू 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 एंड टू टू। बात समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब ये जो रिलेशन का एग्जाम्पल हमने लिया है, ये एग्जाम्पल ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आपने ट्रांजिटिव की पहली डेफिनेशन पढ़ ली, अब ट्रांजिटिव की सेकेंड डेफिनेशन क्या है वो आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल दे दिया जाता है, कहता है चेक द रिलेशन, जस्टिफाई रिलेशन, ठीक है, रिलेशन को जस्टिफाई करना है, रिलेशन दिया है आपको, चेक करना है रिफ्लेक्सिव सेमेटिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जो सेकेंड डेफिनेशन है, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। सेकेंड डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन की, ये एक्सेप्शन है, ये बुक में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जाम्पल मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, ईच ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर, इन रिलेशन आर इज नॉट फर्स्ट मेंबर ऑफ, इज नॉट फर्स्ट मेंबर ऑफ, इज नॉट फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर ऑर्डर पेयर, अदर ऑर्डर पेयर इन सेम रिलेशन आर, इन सेम रिलेशन आर। ये बात आपको समझ में कितनी आई? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, सेकेंड अंडरलाइन कर रहा हूं, सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज रिलेशन आर इज नॉट फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर ऑर्डर पेयर इन सेम रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइन है, और बेटा ए आपका गिवन है वन टू थ्री, देखिए वन टू थ्री, और रिलेशन गिवन है आर इक्वल टू वन वन एंड टू थ्री, वन वन एंड टू थ्री, या फिर रिलेशन आपका गिवन है टू थ्री टू वन, ये दोनों रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन है जो इस डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में लिए गए। एक तो ट्रांजिटिव कब होता है, ए बी रिलेशन में गिवन हो, बी सी रिलेशन में गिवन हो,
एसी रिलेशन में गिवेन हो तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ए बी है बी सी है एसी नहीं हो तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए बी गिवेन है, बी सी गिवेन है, एसी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, ए बी बी सी एसी तीनों गिवेन है, ट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव और कब होगा, देखिए मैंने क्या लिखा है, सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड मेंबर क्या है बेटा, सेकेंड मेंबर वन है ना, यहां पर इज नॉट फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर। क्या ये सेकेंड मेंबर जो वन है इसका फर्स्ट मेंबर है, नहीं है ना, इसका मतलब या फिर इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर जो थ्री है ये इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिटिव होगा ना, क्योंकि इस डेफिनेशन को ओबे कर रहा। सिमिलरली इन रिलेशन आर टू, सेकेंड मेंबर थ्री ऑफ टू कॉमा थ्री इज नॉट फर्स्ट मेंबर ऑफ टू कॉमा वन। थ्री जो है इसका फर्स्ट मेंबर नहीं है, टू कॉमा वन में सेकेंड मेंबर आपका क्या है, वन है, वन जो है इसका फर्स्ट मेंबर नहीं है। अगर ऐसी कहीं सिचुएशन है, ऐसी कहीं रिलेशन में आपको कंडीशंस मिलती हैं तो वह रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्वलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी ओबे करता है, उसको हम कहते हैं इक्वलेंस रिलेशन। तो बेटा अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन जीरो सेट ए इज कॉल्ड इक्वलेंस रिलेशन इफ फर्स्ट वन आर इज सिमेट्रिक आर इज रिफ्लेक्सिव आर इज सिमेट्रिक आर इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन आर इज ट्रांजिटिव। इक्वलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन का सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना जरूरी है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक या दो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है तो रिलेशन आपका इक्वलेंस रिलेशन नहीं होगा। इतनी यहां तक आपको टॉपिक सारे क्लियर हो रहे हैं ना, ठीक है ना। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है इक्वलेंस क्लास। बच्चों इक्वलेंस क्लास पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन हमारे कमिंग क्लास में डिस्कस होंगे आपके एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड या वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, कंपटीशन से अलग होता है, वहां पर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, फिगर्स चेंज होते हैं, क्वेश्चन का टाइप वही होता है, ठीक है। तो अब हम आपको डिफाइन करेंगे इक्वलेंस क्लास क्या है। इक्वलेंस क्लास, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होगा
वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सेशन आपको तभी समझ में आएगा जब ये आपके जो लेक्चर्स हमने, जो आज का लेक्चर है और जो इससे पहले का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिलेशन है, सेकंड लेक्चर ऑफ रिलेशन, इन दोनों लेक्चर को आप अच्छी प्रकार से क्या करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप उसको बार बार लेक्चर को देखेंगे, जब डेफिनेशन सारी क्लियर होंगी तभी क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो इक्वलेंस क्लास क्या है डियर, इक्वलेंस क्लास देखिए क्या है, इक्वलेंस क्लास रिलेशन के पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का हम निकालते हैं, और उसका इक्वलेंस क्लास हम तभी निकालते हैं जब वह रिलेशन इक्वलेंस हो। इक्वलेंस क्लास निकालने के लिए रिलेशन का इक्वलेंस होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। ओके, इफ अ रिलेशन आर, इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई फैमिली ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, इज इक्वलेंस, इज इक्वलेंस अगर आपका रिलेशन जो आर है वो इक्वलेंस है, देन देन इक्वलेंस क्लास, देन इक्वलेंस क्लास ऑफ ए, ए एक आपका एलिमेंट है जो पर्टिकुलर किसी ऑर्डर पेयर का है, इक्वलेंस क्लास ऑफ ए इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल बी सच दैट बी इज रिलेटेड टू ए, बी इज रिलेटेड टू ए। अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए, जिस एलिमेंट इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज बी कॉमा ए सच दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट का हमें इक्वलेंस क्लास निकालना है, जिस एलिमेंट का हमें इक्वलेंस क्लास निकालना है वह एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए। जिस एलिमेंट का हमें इक्वलेंस क्लास निकालना है, ए का हमें इक्वलेंस क्लास निकालना है, तो ए जो है ऑर्डर पेयर का सेकेंड मेंबर होना चाहिए। उस सेकेंड मेंबर के साथ जितने भी फर्स्ट मेंबर हैं इनका सेट कहलाता है ए का इक्वलेंस क्लास। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका कोई भी सेट ए दिया है 1, 2, 3, 4, ओके, रिलेशन ए से ए में डिफाइन है बेटा, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन ए से ए में डिफाइन है, ठीक है, एंड रिलेशन इज इक्वल टू 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3। तो सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि इक्वलेंस है कि नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, इक्वलेंस है, ये इक्वलेंस है नहीं, जो आपके सामने रिलेशन मैंने एग्जांपल लिया है ये इक्वलेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत कुछ सपोजिशन से काम चल जाता है, कंसिडरेशन से काम चल जाता है, क्योंकि हमें इक्वलेंस क्लास समझाना है, तो इक्वलेंस क्लास में हमको ये स्टेटमेंट समझाना है बस, मेरा पर्पज क्या है इस स्टेटमेंट को समझाना। ये स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर हो गया तो आप इक्वलेंस क्लास निकाल लेंगे, क्योंकि इक्वलेंस क्लास उसी क्वेश्चन में पूछेगा जिस क्वेश्चन में ये लिख कर आएगा कि प्रूव दैट रिलेशन इज इक्वलेंस रिलेशन। देन सेकेंड पार्ट आपका होगा फाइंड द इक्वलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि किसी भी मेंबर का इक्वलेंस क्लास पूछे और वो आपका रिलेशन इक्वलेंस ना हो, ऐसा नहीं होगा।
हमने यहाँ पर ले लिया है जो आपके सामने लिखा इक्वलेंस है, नहीं हमने ले लिया ऐसे ही इसकी हेल्प से। अब हमें मान लेते हैं 2 का इक्वलेंस क्लास निकालना है। किसका इक्वलेंस क्लास निकालना है बेटा? हमें 2 का इक्वलेंस क्लास निकालना है। तो 2 का इक्वलेंस क्लास अगर हमें निकालना है तो हम ये देखेंगे कि ये जो 2 है किन किन ऑर्डर पेयर्स का सेकेंड एलिमेंट है। इसका सेकेंड एलिमेंट है, इसका सेकेंड एलिमेंट है। ये 2 ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनका सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 है। अब इन ऑर्डर पेयर में इस सेकेंड एलिमेंट 2 जिसका इक्विवेलेंस क्लास हमें निकालना है उसके साथ में फर्स्ट मेंबर क्या दिया है? 2 दिया है और इसके साथ में 3 दिया है। इसका सेट कहलाएगा, ये आ गया इक्विवेलेंस क्लास 2 का। 2 का क्या बेटा आ गया? इक्विवेलेंस क्लास आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? तो यहां पर जो आपका डेफिनेशन पार्ट था रिलेशन का वो क्या होता है बेटा? उसका द एंड होता है, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस हम सभी को पता होनी चाहिए और अगर हम सभी को ये सारी डेफिनेशन पता है तो रिलेशन के क्वेश्चंस लगेंगे। अब यहां से ये शुरू होता है आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन, ठीक है। तो अब कमिंग क्लास में हम आप लोगों को रिलेशन जो आपका टॉपिक है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और कमिंग क्लास में इस रिलेशन चैप्टर को ओवर करेंगे और आफ्टर देन हम आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। आप सभी लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करेंगे क्लास आज का कैसा रहा, और अगर कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप लोग उस डाउट को कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिखेंगे, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अदर पिछला लेक्चर देखने के लिए और अदर वीडियोज को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको अदर वीडियोज भी मिलेंगे, ठीक है। उनसे आप लेक्चर को अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल योर बस्ता को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। साथ में अपना जो ऐप है योर बस्ता उसको डाउनलोड करें और हमारी अपनी वेबसाइट yourbasta.com पर आप लोग विजिट करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।